तेलन ले ले सब की जान हार करवा गोदाम जमीन के नीचे इनकी तो अखियां मीचे अपनो कहाँ करे यार होली बोलो यार भैया राम राम हमें बुंदेली चूड़ी से नीरज मिलावट को धंधो इतनो भरो चल लो को तेल में मिलावट मतलब जहर आदि के पिवाओ जा रहा और जो आज से नहीं कई सालन से हो रहा लेके प्रशासन की आंखें अबे खुली और अबे खुली जो बिगे छापा मार रहे भैया तुम्हारा विभाग है तो खाद विभाग को अबे तक कर क्या रहो तो सैंपलिंग करवो इनकी जांच करावो नियमित काम है खाद औषधि प्रशासन विभाग को लेकिन जो काम सालन से नहीं हो रहा तो व्यापारियों से और खासकर जो मिलावट खोरे इनसे पैसे ले लेके सास के जनता की सेहत से खिलवाड़ करके मार रहे थे शुगर के पेशेंट बीपी के हार्ट के इतने पेशेंट बढ़े यही गंदो तेल खाने से स्थिति भई है और घरे आदमी अच्छे लेकिन शादी ब्याह में तो वही गुचकने वही की पूरी गुचकने तो ई में आदमी की सेहत से खिलवाड़ हो रहा तो लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिया कि मिलावट खोरन पे बड़ो अभियान चलाओ जाए ऐसे तो पनीर भी बन रहा है एक फैक्ट्री है पता है अब खोवा बन रहा लेकिन चलो ठीक है पकड़ी जाए भाभी पकड़ी जाए जल्दी से जल्दी लेकिन तेल के कारखाने पे छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। कल रात के कलेक्टर सीलन सिंह खुदई पहुंच गए अपनी टीम लेके नौगांव रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में एक साहू जी हैं उनके फैक्ट्री पे तेल गोदाम से लेकर सब कचुते हैं तो लेकिन ये छापों को नाम दोगे तो छापा तो के सैंपलिंग की कार्रवाई पता करने जांच रिपोर्ट आई नहीं है पहले ही माफिया मिलावट को बना दोगे उन्हें अभी में सच्चाई कितनी है ये पे भी प्रशासन के थोड़ा ध्यान रखने हैं लेकिन अगर मिलावट मिली और कारोबार में गंदगी तो फिर प्रशासन के रासुका की जो कई थी बात के रासुका की कार्रवाई करें जेल भेजें तो फिर ई पे प्रशासन के काम करो चाहिए लेकिन जब तक उनके जांच रिपोर्ट नहीं आ रही जब तक साबित नहीं हो रहा कि मिलावट खोरी करी या बदमाशी करी तब तक व्यापारियों के बदनाम कार्यों को भी हक प्रशासन के नहीं है जो समझने आए व्यापारी के छाप आप पहले दिन चोर बन गए तो जो भी देखने पड़े कि वो है कि वो अपना धंधा कर रहे हो तो नियम अनुसार नियम विरुद्ध काम हो रहा हो तो FIR बहुत चाहिए और संबंधित विभाग के अधिकारी पे भी कार्रवाई बहुत चाहिए कि जी आखिर इतने दिन से शोध कर रहे हो जो काम कारोबार फल फूल कैसे रहो तो अब तक कितने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होगा कोरोना काल में कितने को तेल आदि के पिवा दो मिलावट वालों की सबकी जाँच बहुत चाहिए। फिलहाल देख रहे हैं जा खबर भैया मिलावटी खाद्य तेल की काला बाजार की जो कारोबार है ऊपर अब शिकंजा प्रशासन लगातार कस रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती से अब जो हो रहा हो के जो बड़े बड़े गोदाम आते तेल कारोबारी इनके गोदाम पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। कल रात के रिलायंस पेट्रोल पंप नौगांव रोड के बगल में जो मेसर सैलन साहू की थोक और फुटकर दुकान हती मतलब गोदाम हतो तेल को कारोबारी हते कई ब्रांड को तेल हते पैक हो तो इनके तसे तेल गोदाम पे पहुंच के प्रशासन ने जांच की कार्रवाई करी। हालांकि ये जांच की जगह छापा को नाम दाओगा खुद कलेक्टर सीरन सिंह पहुंचे एडिशनल SP पहुंचे और उनने तो जाके पूरी जांच पड़ताल करी। गोदाम के नीचे प्रियांशी भवर भी हती और SDM के अलावा नायब तहसीलदार से लेकर पूरा अमला हतो पुलिस विभाग की टीम हती दांगी साहब भी हते और सब जन ने मिल के थे पूरी जांच पड़ताल स्टॉक रजिस्टर से लेके देखो पैकेजिंग के देखो कौन कौन से ब्रांड रहते वे बनाए जाए थे वे सब देखे और फिर पूरी जांच पड़ताल करके ऐसे फिर सैंपलिंग कराई गई। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल एकत्रित करके और जो सब पूरा देखो है बताओ है कि शैलेंद्र साहू की गोदाम हतो जहाँ अत्याधुनिक मशीनों से पैकेजिंग के अक्षरों को काम हो तो तेल कहाँ से आते तो कैसे हो बनत तो ये सब की पूरी जांच पड़ताल हो रही। कलेक्टर ने खुद जाके कि एक एक बोतल उठाई देखी कि इनमें तेल है कहाँ है कि गंदगी है मशीनें देखी पैकेजिंग देखी और सब गोदाम के जो बेसमेंट में तलघर में होते भी उतरे होते जाके भी चीज़ें देखी हमने उनके बाद उन्हें निर्देश दिए हैं कि ये मामला में पूरी जांच हो और जांच में अगर व्यापारी दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ये पूरे मामला में मीडिया से कलेक्टर ने कहा कि सुन लो तनक नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे चाहे उसके लिए कितनी ही सरकार अभी सील कर दिया गया सर फैक्ट्री को ये सील भी होगी और आगे की कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें होगी। प्रशासन की ऐसी कार्रवाई से मिलावट खोरन में और खासकर जो नंबर दो को काम कर रहे हैं उनमें हड़कंप है लेकिन जो आम व्यापारी वो देशत में ना रहे हम जो कह रहे हैं कहा से प्रशासन की सीधी नियत है कि जो मिलावट और गलत काम हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो तो इनमें व्यापारी भी सहयोग करें और बेखुद बताएं कि को मिलावट के धंधे फैलाए हैं और नेतागिरी चमका रहा
और जो निर्दोष है वे ना फंसे कहां से हमें ऊपर बत्ती है कि काजू के सेम पे छुआरे के सेम पे भर के और आम व्यापारी है जो उसे परेशान ना करो जो बड़े बड़े मिलावट खोर है बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं और इनकी जाँच हो पहले तो कहो कि कैवे से जाँच हो जाँच में दोषी पाया जाए तो फिर प्रशासन लेन देन करके निपटाए ना ऐसे ढंग से निपटाए कि दोबारा जीवन में छठी को दूध याद आ जाए और जो मिलावट के धंधे ना करें तब तो ठीक है भैया। और अगर इन प्रशासन ने कार्रवाई करी पैसे लेके बैठ के कर फिर बोले चलो पिवाओ जाए तो फिर दिक्कत हुई है। हम बता रहे बुंदे चुगली ने सबसे पहले एक साल पहले आगाह कर तो मिलावट के कारोबार के लेके खासकर तेल के लेके कितना नुकसान हो रहा हूँ शहर में एक संग कई मौतें भई थी हार्ट अटैक से नए नए जी के आदमी चले गए थे। तब से हम लगे ये अभियान में कि भैया करो अब जाके प्रशासन जगो और जगो दे रहा है दुरुस्त है कार्रवाई हो रही लेकिन कार्रवाई बिना भेदभाव को सबके खिलाफ हो जो को मिलावट कर रहा हूँ एक आदमी के टारगेट ना करो जाए सबके बराबरी से हो चाहे गोल मिठाई कंपट नमकीन को बना रहा हो इनकी जाँच हो पड़ताल हो खाद्य विभाग के उन अफसरन में भी हो जो हर महीने दलाली खा के अपने कर्तव्य से भटके फिर रहे थे अभी तक इन्हें कार्रवाई नहीं करी थी। अभी हम ले रहे भैया बता खबरन में हम बने रहे भी जयराम जी तो फेटम में जाओ भैया फेटम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है उनके बगल में पतंजलि को स्टोर है उनके सामने सागर रोड पे देर रोड के पहले और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नागे तो तमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेटम में अगर शरीर को निकलना हो दम तो अपना फेटम।